हेलो पॉकेट ट्रेनर्स, कैसे हो। स्वागत है पॉकेट स्टॉप के एक नए वीडियो में। तो देखो गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है वो है टॉप 5 मिस्टेक इन पोकेमॉन गो। जो टॉप 5 मिस्टेक है वो क्या है, अगर वो आप करते हो तो आज से करना बंद कर दो, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वो टॉप 5 मिस्टेक है। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को जाके अभी जाके सब्सक्राइब कर दो और वीडियो में एक लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो कौन सा 5 मिस्टेक है, बिगेस्ट मिस्टेक जो हमें करना नहीं चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक नंबर 1, वो क्या है देखो, अगर हम पोकेडेक्स में आए तो पोकेडेक्स में आप देख सकते हो बहुत सारे रीजन है और बहुत सारा पोकेमॉन है। हम क्या करते हैं, पोकेमॉन को पकड़ते हैं और पोकेमॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बैग में स्पेस नहीं होता। अगर आपको बैग में स्पेस बढ़ाना है, आपके पोकेमॉन का जो बैग है या पोकेमॉन का स्टोरेज अपग्रेड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, वीडियो का लिंक देखो, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप लोग जाके देख लो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं, पोकेमॉन को पकड़ते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको इवॉल्व नहीं करते। इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि देखो इवॉल्व करने के बाद ये पोकेमॉन हमारे पोकेडेक्स में रजिस्टर होता है, और रजिस्टर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोकेमॉन गो में एक मिशन रहता है, मतलब एक बैच का मिशन रहता है कि आप इतना पोकेमॉन अगर रजिस्टर करोगे उसके बाद ही आपको जाके वो बैच मिलेगा। अब देखो बैच, आपको लगेगा कि बैच का क्या होगा, लेकिन बैच का बहुत एक इंपॉर्टेंस है पोकेमॉन गो में, क्योंकि जब आप लेवल अप करोगे, मतलब जब आप 40-50 लेवल में चले जाओगे, तब आप समझ पाओगे कि बैच का इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक पोकेमॉन को पकड़ना है और पोकेमॉन को इवॉल्व करना है। इवॉल्व करने के बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आपको पहले इवॉल्व करना है, पकड़ना है और उसको इवॉल्व भी करना है, ठीक है। तो चलो चलते हैं सेकेंड मिस्टेक की तरफ। तो देखो गाइस, इधर जो दूरबीन वाला ऑप्शन है, मतलब रिसर्च का जो ऑप्शन है, उधर आपको जाना है और जो डेली रिसर्च रहता है आपको डेली रिसर्च कंप्लीट करना है, क्योंकि देखो कंप्लीट करने के बाद इधर हमें डेट दिखाता है, जो स्टैम्प है ना वो स्टैम्प वैसे रहता है, डेट दिखाता है, क्योंकि आपको 7 दिन के बाद ये जो मिस्टीरियस बॉक्स है वो मिलने वाला है। 7 दिन के बाद वो मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है, और वो मिस्टीरियस बॉक्स में बहुत अच्छा एक पोकेमॉन रहता है, जैसे मुझे कायोग्रे मिला है यहाँ से, और बहुत भी रेयर रेयर जो पोकेमॉन होता है वो मिला है इस बॉक्स से। इसलिए आपको क्या करना है, डेली रिसर्च जो है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि वो बैच भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग होते हैं कि डेली रिसर्च को कंप्लीट नहीं करते, तो आपको वो डेली रिसर्च कंप्लीट करना है। अब देखो जो नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो क्या होता है, स्पेशल रिसर्च में हमें बहुत सारा मिशन मिलता है जो हम कंप्लीट ही नहीं करते, मतलब हम देखते भी नहीं है स्पेशल रिसर्च में कौन सा मिशन आया है, हमें इसको फॉलो करना है, क्योंकि देखो स्पेशल रिसर्च में आपको बहुत मिस्टीरियस आइटम मिलता है, बहुत स्टारडस्ट मिलता है, बहुत सारा स्टोन मिलता है। इसलिए देखो आपको ये कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो म्यू पोकेमॉन है मुझे यहाँ से ही मिला था, इसलिए आपको स्पेशल रिसर्च भी कंप्लीट करना है, मिशन को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो जो फोर्थ मिस्टेक है वो क्या है, यहाँ पर एक ट्रेनिंग बैटल रहता है या ट्रेनर बैटल रहता है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि देखो बैटल करने से हमें यहाँ पर पोकेमॉन मिलता है, रेयर कैंडी मिलता है। देखो रेयर कैंडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रेयर कैंडी के बारे में जानना है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को क्या करना है सिर्फ कॉमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको मिस्टीरियस आइटम मिलता है, रेयर कैंडी मिलता है, पोकेमॉन मिलता है, भर भर के स्टारडस्ट मिलता है, इसलिए आपको बैटल करना है। अब देखो फिलहाल मैं बैटल नहीं किया हूँ, क्योंकि देखो मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जहाँ पर आप बैटल बहुत अच्छा अच्छा बैटल देख सकते हो, इसलिए अभी तक फिलहाल मैंने स्टार्ट नहीं किया है, 2-3 दिन बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा बैटल करना, और उसका भी वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है भाई। अब मैं बताता हूँ जो लास्ट मिस्टेक है वो बहुत ही एक बड़ा मिस्टेक है, आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ आपको, देखो लास्ट जो मिस्टेक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ शाइनी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए सिर्फ उस पोकेमॉन में ही क्लिक करते हैं, लेकिन हमें हर एक पोकेमॉन को चेक करना चाहिए। अगर शाइनी नहीं हुआ तो क्या बात है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे उसको, लेकिन हर एक पोकेमॉन को क्लिक करना चाहिए। अब देखो आपके सामने एक प्रूफ है, ये जो पोकेमॉन है अभी मैं क्लिक करूँगा, अभी देखो ये शाइनी आ चुका है, क्योंकि देखो कभी कभार पोकेमॉन को क्या करता है, अगर 1000 पोकेमॉन में आप क्लिक करोगे तो आपको एक शाइनी मिल सकता है, ऐसा एक रेट होता है। इसलिए आपको हर एक पोकेमॉन में क्लिक करना है और देखना है वो शाइनी है कि, अगर शाइनी हुआ फिर तो उसको पकड़ना ही है, इसलिए आपको क्या करना है, हर एक पोकेमॉन में क्लिक करना है और देखना है वो शाइनी है कि नहीं। अगर शाइनी नहीं हुआ कोई बात नहीं। तो यही था 5 जो मिस्टेक आपको नहीं करना है, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो आज से बंद कर दो, ठीक है। एंड यही था आज का वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में जाके सब्सक्राइब कर देना, और एक कमेंट करना अगर आप मिस्टेक कर रहे थे अभी तक, तो कमेंट कर देना कि कौन सा मिस्टेक आप कर रहे थे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।